दोस्तों आपको पता है कि जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो आपका भागफल आता है वो क्या बताने की कोशिश करता है। जो ये भागफल आता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 20 में अगर आपने 5 से भाग दिया तो ये पूरा का पूरा 4 बार कट जाएगा। तो ये जो 4 भागफल आया है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 20 में 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी पूरी कट रही हैं। क्या कट रही है? 5 से पूरी पूरी कट रही हैं। ये जो 20 दिया हुआ है इसका मतलब ये है दोस्तों, 1, 2, 3, 4 .. 20 तक ये प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं दोस्तों, इसका मतलब 20 का ये होता है। जो ये 20 नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं, इसका मतलब है। अब 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं, जैसे 4 के बाद 5 आएगा, तो इसमें आप बताइए कि 5 से कटने वाली कितनी संख्या आप चूज करेंगे, निकालेंगे तो निकलेगी। आप कहेंगे कि देखिए 1 5 निकल जाएगा, इसके बाद 1 10 निकल जाएगा, इसके बाद 1 15 निकल जाएगा, और इसके बाद 1 20 निकल जाएगा। यही तो संख्याएं हैं जो कि 5 से कट रही हैं, यानी कि 4 ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों जो क्या कर रही हैं, 5 से कट रही हैं। दोस्तों कोई भी संख्या होगी, कोई भी सीरीज में दी रहेगी, अगर किसी से काटना है, जैसे 6 से काटना है, तो हर 6 अंक के बाद, यानी कि 6 के बाद दोस्तों क्या होगी, वो अगली संख्या उसी से कट जाएगी। यानी कि 5 से हमने काटा तो हर 5 के अंतर पर वो संख्या मिल रही है जो 5 से कट रही है। 12 से काटेंगे तो हर 12 के अंतर पर वो संख्या मिलेंगी जो 12 से कटेंगी। इतना तो आपको पता है। अब दोस्तों एक चीज हम और जानते हैं, जैसे अगर 20 की जगह मैंने 21 दे दिया, 21 में मैं कहूं कि 5 से भाग दीजिए, तो अगर आप भाग देते हैं तो 4 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसके बाद अगर भाग देंगे तो दशमलव लगाना पड़ेगा और 5 × 10 हो जाएगा, यानी कि 4.2 आएगा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे ही आप सीरियल वाइज इस नंबर को 21 तक लिखते हैं, 21 तक लिखते हैं, और इसमें अगर आप चूज करें कि कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण तक कट जाएंगी, तब भी आपकी 4 ही संख्या मिलेंगी, 5वीं नहीं मिलेगी दोस्तों। तो हमने इससे ये जाना कि कोई भी संख्या में अगर हम भाग दें और निकालना रहे कि कितनी संख्या उसमें पूर्ण कटेंगी पूर्णतः, तो सिर्फ जो दशमलव से पहले वाला नंबर रहेगा उसी को हम लेंगे। यानी कि 21 में 4 ही संख्या ऐसी है दोस्तों जो 5 से क्या होंगी, पूर्णतः कटेंगी, बाकी दशमलव के बाद वाले नंबर को हमें नहीं लेना, उस पर ध्यान ही नहीं देना है, बस दशमलव से पहले जितनी बार जाएगा भाग उसी को हम ले लेंगे। अब चलिए दोस्तों इसी बेसिक पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। जैसे कह रहा है कि 1 से 300 तक 5 से विभाज्य कितनी संख्या है, डायरेक्ट यहाँ पे 20 दिया, तो इसका मतलब हमने समझ लिया कि 1 से 20 तक की बात कर रहा है। तो दोस्तों अगर 1 से 300 तक दिया रहे या सिर्फ 300 तक कहे, 1 से 300 तक लिखा रहे या सिर्फ 300 तक लिखा रहे, तब भी बात दोनों एक ही समझिएगा, कंफ्यूज मत कर जाइएगा। तो हमें करना क्या है, 300 तक 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं पूछ रहा है दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं करना है, 300 जो दिया हुआ उसको लिख लेना है, 1 से दिया रहे या सिर्फ 300 दिया रहे, कंफ्यूज नहीं है। इस 5 से दोस्तों जिससे विभाज्य पूछे 5 से इसमें भाग दे देना है, 5 से दोस्तों भाग देंगे तो 5 × 30 60 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा चला गया, दशमलव का इसमें झंझट नहीं आया, तो ये 60 जो होगा दोस्तों इतनी ही संख्या होंगी जो कि 5 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। 60 संख्या 300 तक जो है 60 संख्या ऐसी मिलेंगी जो कि 5 से क्या होंगी, हो जाएंगी दोस्तों पूरी तरीके से कट जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई और हम संख्या ले लेते हैं, जैसे अगर कह दे कि 695 तक 6 से विभाज्य संख्या कितनी है, 695 तक 6 से विभाज्य संख्या कितनी है, कुछ दिया नहीं है इधर, आप समझिए कि 1 से की बात कर रहा है। जैसे ये 20 वाली संख्या थी तो हमने 1 से 20 तक लिखा, समझने के लिए समझ जाइए कि वही 1 से लिखे या सिर्फ वो नंबर दे दे तो समझ जाइए कि 1 से की बात हो रही है। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें हमें 6 से भाग दे देना है, 6 से भाग देंगे तो 6 × 6 हो जाएगा, ये भी 6 × 6 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 6×5 = 30, इतना तो पूरा पूरा जाएगा, इतना दोस्तों क्या होगा पूरा पूरा जाएगा, उसके बाद 5 आपका बचेगा तो वो दशमलव के बाद 0 जब लगाएंगे आएगा, तो हमें दशमलव के बाद वाली संख्या नहीं लेनी है, बस जो पूरा पूरा चला गया यही दोस्तों संख्याएं, इतनी ही संख्या है जो क्या होगी,
छह से पूर्णतः कट जाएंगी, 695 तक जो संख्याएं होंगी छह से कटने वाली 115 होंगी। अब इसी बेस पे दोस्तों कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें आपका एक से नौ स्टार्ट होकर के या 300 तक न दे करके एक से नौ स्टार्ट होकर के बल्कि बीच से स्टार्ट होंगी, तो ऐसी संख्याओं को कैसे निकालेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो कह रहा है कि 200 से 500 तक, क्या कह रहा है, 200 से 500 तक 20 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 500 से 1000 के बीच, यानी तक अगर दे दे, बीच दे दे, कह रहा है कि बीच 30 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां पर एक से नहीं स्टार्ट हो रही, एक से स्टार्ट होती तो डायरेक्ट उस संख्या को उठाते और उससे भाग दे देते आ जाता, लेकिन यहां पर दोस्तों दूसरे तरीके से पूछ लिया क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता भी है। अब यहां पर हमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो संख्या दिख रही है दोस्तों, ये जो संख्या दिख रही है 200 तक अगर रहेगा तो हमें करना क्या है, इस 200 में से यानी पहली जो संख्या छोटी वाली रहेगी उसमें से हम एक घटा करके और 20 से भाग देंगे और डिफरेंस का चिन्ह बनाएंगे, उसके बाद 500 लिखेंगे और बटे में 20 करेंगे। यानी अगर तक रहेगा तो पहली वाली संख्या में से एक घटाना है, क्या करना है, पहली वाली संख्या में से एक घटाना है और डिफरेंस निकाल लेना है दोनों संख्याओं में 20 से भाग देकर के, जिससे विभाज्य पूछे। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा कितना दोस्तों, 199। तो अब 20 से भाग देंगे तो पूरा 9 मरतबा जाएगा, 9 बार तो पूरा जाएगा, दशमलव के बाद जो आएगा उसको हमें नहीं लेना, मैं अभी बता चुका हूँ, डिफरेंस बनाएंगे और ये दोस्तों पूरा का पूरा 25 बार चला जाएगा, इसमें दशमलव का झंझट ही नहीं है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, नहीं है तो जान लीजिए, इसका मतलब ये है कि बड़े में से छोटे को घटाना। तो ये नहीं देखना हमें कि कौन पहले कौन, इसमें माइनस आएगा ही नहीं, झंझट नहीं, इसीलिए डिफरेंस बनाया जाता है कि बड़े में से छोटे को घटाना, इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि 16 ऐसी संख्याएं हैं 200 से 500 तक जो 20 से क्या होंगी, पूरी तरीके से कट जाएंगे, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगर बीच वाला मैटर हो जाए तब क्या करेंगे, चलिए उसको भी करते हैं। कह रहा है कि 500 से 1000 के बीच, तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर तक रहेगा तो पहले में से माइनस करेंगे, और अगर दोस्तों बीच रहेगा तो बाद वाले में से माइनस करेंगे बटे में 20। क्लियर, इतना क्लियर है दोस्तों, बस यही करना है, इतना ही याद कर लीजिए। अगर तक है तो पहले में से, बीच है यानी तक है तो इस वाले को छोड़ करके, यानी 200 को छोड़ करके हमें लेना है, तो यानी इसमें से घटाना है। अगर बीच की बात कर रहा है तो दोस्तों 1000 से पहले वाली संख्या लेना है, यानी 1000 में से घटाना है। बीच है तो बाद वाली संख्या में से घटाना है, तक है तो पहले वाली संख्या में से एक घटाना है, बस इतना याद कर लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ये काटेंगे तो ये आपका 16 3 48 16 बार जाएगा पूरा का पूरा, डिफरेंस दोस्तों यहाँ पर देखिए आएगा 999, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 3 3 9, यानी कि यह आपका 33 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, बड़े में से छोटे को घटाना, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। यानी 17 ऐसी संख्याएं हैं जो 500 1000 के बीच जो 30 से कटेंगी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि कभी भी एग्जाम में किसी भी टाइप का इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दे तो कभी कंफ्यूजन ना हो, चलिए उसको भी स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीए 2022 में पूछा हुआ है, क्या कह रहा है कि रामू को 1 और 1000 दोनों सहित कंडीशन लगाए कि बीच की संख्याओं की एक सूची का चयन करना है, यानी कि रामू को यह जिसको 1 से लेकर 1000 के बीच की संख्याओं, उसमें 1 और 1000 की भी बात कर रहा है, दोनों सहित की बात कर रहा है, सूची का चयन करना है जिसमें क्या हो कि 2 और 7 दोनों से विभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या कितनी है 2 और 7, अब तक तो हमने बताया, हमने जाना दोस्तों कि एक संख्या से विभाज्य, लेकिन इसमें 2 2 संख्या दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ एग्जामिनर क्या कर रहा है कि आपके दिमाग को चेक कर रहा है। एग्जाम भी इसीलिए होता है, जितना गवर्नमेंट जॉब एग्जाम होता है वो आपके दिमाग को ही चेक किया जाता है कि क्या आप इस पद के योग्य हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है दोस्तों कि 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो, तो इसमें हमें 2 और 7 दे दिया है, 2 संख्याएं, तो घबराने की जरूरत है, इनका एलसीएम निकाल देना है। क्या दोस्तों, एलसीएम इसलिए निकालना है क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो उसमें 2 भी आ जाएगा 7 भी आ जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, दोनों संख्याओं का समावेश उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 7 का एलसीएम जानते हैं आप 14 होता है। अब 14 में 2 भी है 7 भी है, यानी कि जो संख्या 14 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी 7 से भी कटेगी, तो क्या दिक्कत है, बस यही काम करना है। क्या करना है दोस्तों, एलसीएम निकाल लेना है अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो। अब यहाँ पर दूसरा देखिए क्या घुमाया, 1 और 1000 दोनों सहित कह रहा है, क्या मतलब है दोनों सहित,
14 से ना एक कट रही है ना 1000 कट रही है, कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, एक से लेकर के 20 तक की संख्याएं हो, यानी एक से दे दिया जाए और जहां तक जाए वहां तक संख्याएं हो, तो हमें एक को न लेकर के डायरेक्ट इस 1000 को ले लेना है, 1000 को ले लेना है। अब इसमें दोस्तों हम सिर्फ क्या करें, 14 से भाग दे दें। क्या करें दोस्तों, 14 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, बस आपके दिमाग के साथ खेल रहा था, इसलिए कि 1000 तो 14 से कटेगा ही नहीं, तो वैसे भी वो नहीं आएगा, भले सहित कहे या ना कहे, एक भी 14 से नहीं कटेगा, तो दोनों सहित कह रहा, तो दोनों का मतलब कुछ है नहीं। बस जैसे दिया रहता है नॉर्मल, एक से लेकर के 20 तक, एक से लेकर के 500 तक, या सिर्फ 1000 लिखता, या एक और 1000 लिख दिया, सब चीज़ें एक जैसी हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब काट लीजिए दोस्तों, तो 14 साथ 98 हो जाएगा, बचेगा कितना, 20 हो जाएगा, 14 करने 14 दशमलव समथिंग आएगा, मैंने कहा दशमलव के बाद वाली संख्या नहीं लेना, यानी 71 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि 13 से विभाज्य होने वाली तीन अंगों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसलिए भी थोड़ा सा अलग उससे क्वेश्चन कर दिया एमटीएस 2017 में। 13 से विभाज्य होने वाली तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले तो आप तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, आप जानते हैं 999, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये। अगर आप 13 से इसमें भाग देते हैं दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा, 13 सात 91, कितना बचा, 8 बचा और 9, 13 6 78, कितना दोस्तों बचा, 91। 9 9 9 तीन अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों है, अगर इसमें हमने 13 से भाग दिया तो इसमें 11 शेष बच जा रहा है, तो 999 वो संख्या नहीं हो सकती। तो निकालेंगे कैसे, मैंने ये लिखा और ये भाग देकर के बताया, ये मेरे बताने का मकसद क्या था दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले वही काम कीजिए, तीन अंक की हो या चार अंक की, जो संख्या जो सबसे बड़ी होती है उसको आप लिख लीजिए, उस संख्या से भाग दीजिए। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि जो 999 है, 999 अगर ये 11 कम होता, 11 जो शेष बचा है, इसका मतलब अगर ये 11 कम होता तो वो जो है 13 से पूरी तरीके से कट जाती। और अगर दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा, यानी कि 999 में, 999 में अगर 2 ज्यादा होता तब भी वो 13 से कट जाती पूरी तरीके से, या तो 11 कम होता तब कटती, या तो 2 ज्यादा होता तब कटती। अगर 2 ज्यादा करेंगे दोस्तों तो ये 1001 हो जाएगा, जो कि 4 अंक की संख्या बच जाएगी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हमें यहाँ पे घटा देना है, घटाएंगे तो 988 आ जाएगा, यही दोस्तों ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।